खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पाकिस्तान से आ रही सैटेलाइट कॉल फर्जी कॉल कर खुद को बता रहे सेना के अधिकारी और लोगों से यहां पर सेना के मूवमेंट, हथियारों की जानकारी ली जा रही है। इस फर्जी कॉल के जरिए आईएसआई एवं पाक रेंजर्स सीमावर्ती क्षेत्रों में फोन कर रहे हैं। सेना ने सतर्क कर दिया है लोगों को और सेना से कोई भी जो जुड़ी हुई जानकारी है वो शेयर ना की जाए। ये बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, सेना ने सतर्क किया है कि सेना से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर ना की जाए। पाकिस्तान से सैटेलाइट कॉल आ रही हैं और फर्जी कॉल के माध्यम से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हरनेक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरनेक, क्या पूरी अपडेट है, ये कॉल्स आ रही हैं, किस तरीके की जानकारी फिलहाल सामने आई है? जी, मैं आपको बता दूं कि गंगानगर जिला जो है ये हमेशा पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं आईएसआई उनके निशाने पे रहता है और वो समय समय पे गंगानगर जिले के अंदर जो है फोन कॉल के जरिए यहाँ की जो सेना से जुड़ी हुई जानकारी है उनको हासिल करने की कोशिश करता रहता है। अभी कुछ समय पहले भी पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कोड है 92, उसके नंबरों से कॉल आती रहती थी और लोगों से, आम जो ग्रामीण है उनसे सेना के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब आईएसआई जो है उसने इंटरनेशनल 92 कोड की जगह अब सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसकी जो कॉल है वो श्री गंगानगर जिले के लालगढ़ क्षेत्र में जो सियाप वाली कुछ गांव है वहां पे पकड़े और वहां पे अननोन नंबर लिखा आता है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है तो अननोन नंबर से जो कॉल आती है उसके अंदर वो पाकिस्तान के सेना के अधिकारी बताकर सेना से जुड़ी ही कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश। बिल्कुल हरनेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सेना ने सतर्क हालांकि कर दिया है लोगों को।